हेलो दोस्त, ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए जो साइको टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 5, 3 और 2 से नहीं लेना है। उनके लिए कुछ प्रश्न आए हैं कि सीए का रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया, केवल स्टेशन मास्टर को दिया गया। तो हिस्ट्री देख लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं कि आरआरबी चेन्नई में सीए और बंगलुरु में सीए का वैकेंसी नहीं है, इसलिए नहीं दिया। तो मैं कहूँ इलाहाबाद में है तो क्या इलाहाबाद में है सीए का रिजल्ट आएगा, चंडीगढ़ में है तो चंडीगढ़ में आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका सिंपल सा रीज़न है कि अभी केवल साइको टेस्ट होगा, साइको टेस्ट के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। साइको टेस्ट यानी CBT 3 है, CBT 3 को अगर देखें और फाइनल रिजल्ट से जोड़ें तो नहीं जुड़ेगा। यानी ऐसे ही सेम आपका टाइपिंग टेस्ट में होगा, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट पहले आएगा और उसी कैटेगरी की जो वैकेंसी और भी है उसका रिजल्ट नहीं आएगा। उसका रिजल्ट आएगा जब टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। यानी फाइनल रिजल्ट में जो पोस्ट प्रायोरिटी आपकी देखनी है वो साइको टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट की बाद की बात है। उसको अभी छोड़ दीजिए, ये नहीं जोड़ने में लग जाइए कि सीए का पोस्ट नहीं है इसलिए यहाँ रिजल्ट उसका नहीं दिया। तो बाकी आरआरबी में भी नहीं आएगा, वैसे ही आपका टाइपिंग टेस्ट का होगा। अब लोगों का सवाल उठ रहा है कि साइको टेस्ट के बाद कितना कट ऑफ बढ़ सकता है। तो देखिए, ये अनएक्सपेक्टेड है, ये क्वालिफाई पे डिपेंड करता है कि साइको टेस्ट कितने लोग क्वालिफाई करते हैं। लेकिन एक पैटर्न मान लीजिए तो 5 से 7-8 नंबर तक एकदम बिल्कुल, ये सिंपल सा एक लॉजिक है, मिनिमम 5, 7, 8 नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसके अलावा मैं एक सावधानी आपको सावधान कर देता हूँ अभी ही कि अभी जिन आरआरबी में कट ऑफ कम गया है, ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ कम गया है, वहाँ पे साइको के बाद भी कट ऑफ 10 से 15 या 20 नंबर भी आगे जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण सिंपल सी है कि 8 गुना कैंडिडेट, अभी 1 गुना वैकेंसी लेना है। अगर साइको में 50% भी पास होते हैं, जैसा कि पैटर्न है साइको में 50% लोग पास हो जाते हैं, तो 50% पास हो गए तभी तो 4 गुना और 1 गुना अगर एब्सेंट भी हो गए तो 3 गुना कैंडिडेट हैं, 3 में से 1 सेलेक्ट करना है। तो कट ऑफ बढ़ती है, और कैसे बढ़ती है मैं थोड़ा सा अभी वेबसाइट पे समझाने की कोशिश करूँगा, पहले से ही मैंने एनालिसिस कर रखा है, अलग से बताने की ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम हैं आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 का साइको टेस्ट का अभी रिजल्ट जो आ रहा है उसके बारे में, ये दिन भर इस पर हलचल रहेगी क्योंकि अभी तो केवल बंगलोर और चंडीगढ़ का रिजल्ट आया है, बाकी आरआरबी यहाँ पर रिजल्ट डाला जाएगा, देख लीजिएगा। लेकिन जिसके लिए अभी हमने बात कर रहे थे साइको टेस्ट वाला, तो देखिए साइको टेस्ट के लिए मैंने पहले से ही आपको बता दिया है कि साइको का लगभग ऐसे पैटर्न होता है, 100% सही कोई नहीं हो सकता, कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकता। लेकिन हम इस वाले टेस्ट पे आ जाते हैं, आपको साइको टेस्ट वाले पे जो हमने साइको टेस्ट नहीं एनटीपीसी के बाद कटअप का जो एनालिसिस मैंने किया था उसके लिए, तो इस वीडियो में देखिएगा तो पूरा आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। और वीडियो के लास्ट में यहाँ पर आपको थंबनेल में भी यहाँ ऊपर में दिख जाएगा, यहाँ साइड में, तो यहाँ भी देख लेंगे तो साइको टेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कटअप वाला वीडियो मिल जाएगा और डिटेल मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं एक अभी रफ आइडिया बता दूँ कि साइको टेस्ट का क्या होगा। तो देखिए, अभी स्टेशन मास्टर का मैंने एक्सपेक्टेड कटअप ये बताया था, अभी बहुत आरआरबी, 1-2 आरआरबी आया है रिजल्ट, अभी बहुत बाकी है। तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर का देखिए, हमने बोला था 65 से 70 आएगा साइको टेस्ट के लिए, यूएससी के लिए 60 से 70, एसटी के लिए 56 से 65, ओबीसी के लिए 63 से 71 और ईडब्ल्यूएस के लिए 61 से 65 आएगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ होगा तो यहाँ देखिए कितना बढ़ रहा है, 65 से 78 का एक्सपेक्टेड मैंने रखा है। तो 65 से 78 आप एकदम बिल्कुल डायरेक्ट सभी आरआरबी में, किसी में कम किसी में ज़्यादा होगा, तो 65 से 78 अगर आप देखेंगे तो 12-13 नंबर तक एक्सपेक्टेड लिया है और ये होने वाला है, देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरे में अगर एससी में बात करेंगे तो 60 से 70, 10 नंबर का। यहाँ पे अगर देखेंगे एसटी में 58 से 68, 56 से 68, 12 नंबर का। ओबीसी में 63 से 75, तो यहाँ भी देखें 12 नंबर का। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 61 से 72, तो यहाँ भी 11 नंबर का। तो मान के चलिए 10 नंबर प्लस हो सकता है बढ़ने का। लेकिन किसी आरआरबी में ऑलरेडी कटअप ज़्यादा रहेगा, जिस ध्यान दीजिएगा इसमें, जिस आरआरबी में कटअप अभी ही ज़्यादा हो जाएगा उसका नंबर 5 से 6 नंबर बढ़ेगा, और जिस आरआरबी में कटअप कम रहेगा उसका नंबर 12 से 13 नंबर 10 से ऊपर बढ़ेगा। ध्यान रखना, ये कैटेगरी की हम छोड़ देते हैं, अपवाद की कई बार, जैसे कैटेगरी में खाली एस सी एस टी का, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और यूआर को कैटेगरी में आप नहीं शामिल करेंगे, इनकी कंपटीशन
नेक्स्ट टेबल पे जाएगा साइको में। लेकिन अगर एसी एसटी में बात करेंगे तो थोड़ा एक दो नंबर का आगे पीछे होगा। यानी अगर टोटल टोटल कहें, अगर इस हम डिटेल से कहें तो यहाँ से आप, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नहीं दिखता दोस्त, तो सारी चीज़ें तो मैं सामने आपको करता हूँ, तो यहाँ से लिंक आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का है, उसके साइड में आके आप देख सकते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए यहाँ साइड में आइएगा, वेबसाइट के नीचे साइड में, तो आपको दिख जाएगा ये सारा लिंक, तो सारा लिंक इसी पे है, कोई हम अलग से नहीं बना रहे हैं। और कुछ लोग कहा था कि इसका मतलब क्या है वेबसाइट का, वेबसाइट का यही मतलब है कि मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ता, एक बार डाटा मैं वेबसाइट पे रख दिया तो मैं अब रेफरेंस के लिए आपको कभी भी वीडियो बना के तैयार रखूँगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर कर लीजिए आप, फाइनल रिजल्ट आपको कब आना है, जब आपका साइको टेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट हो जाएगा, तब तक बाकी उन पोस्टों का कोई रिजल्ट नहीं आएगा जिनका टाइपिंग टेस्ट नहीं है और साइको नहीं है, चाहे पोस्ट हो या नहीं हो। दूसरा, सीबीएटी के बाद कटअप कितना बढ़ेगा, तो दो, इसकी दो मेन क्राइटेरिया है, एक तो अभी कम कटअप गया है सीबीटी टू के बाद, और एक गया है ज़्यादा, तो जिसका ज़्यादा गया है उसका कम बढ़ेगा और जिसका कम गया है उसका ज़्यादा बढ़ेगा, सिंपल सी फार्मूला है। और जिसका मतलब ऑलरेडी ज़्यादा कटअप चला गया है तो कम कितना बढ़ेगा, तो 5 से 10 की रेंज में, और जिसका ऑलरेडी कम गया है उसका कटअप बढ़ेगा 10 से 15 की रेंज में। बस मेरे तरफ से तो ये एनालिसिस है, बाकी आप ट्राई कीजिए, ये केवल समझने के लिए होता है कि कटअप कितना होता है। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आप ही को डील करना है कि आप कटअप कितना बढ़ाएंगे। यानी मैं कहूं कि साइको अगर 30% स्कोर जोड़ना है तो 30% स्कोर अगर कहें तो 100 नंबर का, ऐसे तो साइको 42 कुछ ऐसा टी स्कोर के टर्म में काउंट होता है, मैं एक डायरेक्ट रफ आइडिया बात करूँ कि साइको में 100 है, 100 में से आप अगर आपने कितना नंबर ज़्यादा लाएंगे उसका 30% जुड़ेगा। यानी कुछ लोग कहते हैं कि 22-23 तक जुड़ जाता है स्कोर, जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं 22-23-24 तक आता है, यानी 30 नंबर अगर जोड़े तो 30 में से 22-23-24 लेके आ जाते हैं कैंडिडेट। लेकिन कई लोगों को क्वालिफाई होता है वो 18 के आसपास क्वालिफाई हो जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइको में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कुछ नहीं चलता, सब कुछ नहीं चलेगा, सब बराबर है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ें देखिए, यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होता। साइको में टी स्कोर आपको 42 लाना है तो सभी को लाना है। एक मिनट में कलर चेंज कर दूँ, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे एससी एसटी, एक मिनट वेबसाइट वाला पहले ले लेता हूँ, इस पर दिख नहीं रहा है तो मैं कह दूँ, यहाँ पर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोई अंतर नहीं है, यहाँ सब यूआर हैं। साइको में क्या है, सब यूआर है, अनरिजर्व है, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, जितना आपने स्कोर किया उसी का स्कोर आगे जुड़ेगा। यानी फाइनल मेरिट में तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन साइको टेस्ट में सबको T42 यानी टी स्कोर 42 से एबव लाना ही लाना है। यानी अगर किसी में 100 प्रश्न पूछा रहा है, हालांकि प्रश्न कहीं होते हैं 18, कहीं 24, कहीं 36, ऐसे ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट में 36 होता है, किसी में 18 होते हैं, किसी में 24 होता है, किसी में अलग अलग होता है, लेकिन हर में आपको 42 से प्लस करना है। यानी अगर कह दे तो टी स्कोर एक फार्मूला है जो हम बाद में बात करेंगे, अभी आएगा ऑफिशियल, कुछ चेंज होगा तो। एलपी टेक्नीशियन में तो ऑलरेडी आ चुका था टी स्कोर कैलकुलेशन का, लेकिन 42 के ऊपर लाना है। यानी अगर आपके 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 30 में से कम आपको 15 प्लस करना होता है, ध्यान रखिएगा 15 प्लस, वो भी ध्यान रखिएगा। साइको टेस्ट के कभी कहता है कि नेगेटिव नहीं है, लिखा हुआ तो मिलता है कि नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि मैंने 15 किया तभी टी स्कोर 45 नहीं हुआ, इसलिए ध्यान रखिएगा। अटैम्प्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको साइको टेस्ट में अच्छा से अच्छा करना है, नेगेटिव कम से कम करना है, तब भी यानी 50% प्लस लेके चलेंगे। यानी हर क्वेश्चन में मैं कहूं कि अगर आपका 100 क्वेश्चन आता है तो टारगेट रखिए कि 60 तो कर ही दे, और इतना हो जाता है, 100 तो किसी से नहीं हो पाएगा लेकिन 60 तो हो ही जाता है, तो 60 को आपको करके चलेंगे तो टी स्कोर क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या इस वीडियो में हमने बात किया, फाइनल रिजल्ट आपको जब सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आएगा, चाहे वहाँ पोस्ट हो या नहीं हो। साइको टेस्ट में कटअप कम वाले आरआरबी, जिसका कम अभी गया है उसका ज़्यादा बढ़ेगा, और जिसका
ऑलरेडी ज़्यादा गया है उसका कम बढ़ेगा, लेकिन कम वाले जहां आरआरबी का अभी CBT 2 में रिजल्ट आया है वहां कट ऑफ 10 से 15 बढ़ सकता है, लेकिन जहां पे ऑलरेडी ज़्यादा आ गया है वहां पे 5 से 10 के बीच में बढ़ जाएगा और आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। प्लस साइको टेस्ट में आपको किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, सबको 42 TA स्कोर लाना होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।